प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से इक्विटी मार्केट्स लगातार गिर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा वोलाटाइल है, तो इस तरह के मार्केट कंडीशन में ही आपको एसेट एलोकेशन का इंपॉर्टेंट समझ में आता है। दैट इज़ पूरा का पूरा पैसा आप सिर्फ एक एसेट क्लास में नहीं करें, उसे स्प्रेड आउट करें अक्रॉस डिफरेंट एसेट क्लासेस। तो इसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए हाइब्रिड फंड्स में एक पर्टिकुलर कैटेगरी है और इसे हम बोलते हैं मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स को एटलीस्ट 3 एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करना ही होता है और साथ ही इंश्योर करना होता है कि इन 3 एसेट क्लासेस में एटलीस्ट 10% का एक्सपोजर जरूर लें अपने टोटल एसेट्स का। तो यहाँ पर आपको मल्टी एसेट फंड्स के थ्रू एक अच्छा खासा एसेट एलोकेशन मिल जाता है। अगर आप भी अपना इन्वेस्टमेंट नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं ताकि आप खुद से खुद का इन्वेस्टमेंट्स मैनेज कर सकें, तो उसके लिए आप हमारा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आप कुछ मल्टी एसेट फंड्स का बेंचमार्क चेक कर सकते हैं, इससे आपको पता चल जाएगा कि ये मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स अपना इन्वेस्टमेंट करते कैसे। एक्सेस का अगर आप बेंचमार्क देखें तो देखिए निफ्टी 500, मतलब यहाँ इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, यहाँ पे बेंचमार्क में इसका एक्सपोजर है 65% का। डेट का जो बेंचमार्क है उसका इंडेक्स है उसका वेटेज है 20% का। गोल्ड का जो इंडेक्स है वहाँ पे 7.5% का एक्सपोजर है और सिल्वर में 7.5% का एक्सपोजर है। तो देखिए मोस्टली यहीं पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है। दूसरे में भी अगर आप दूसरा एग्जांपल देखें तो आईसीआईसीआई का देखें तो यहाँ भी देखिए निफ्टी 500, डेट इंडेक्स, गोल्ड, कॉमडेक्स और सिल्वर। नीचे भी अगर आप देखें तो सभी जगह आपको यही दिखेगा। तो देखिए अब तो आपको क्लियर हो गया होगा कि इन्वेस्टमेंट कहाँ हो रहा है। तो ये मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स इक्विटी में अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, डेट में अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करेंगे और थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट सिल्वर में भी करेंगे और साथ ही कहीं कहीं आपको थोड़ा बहुत रियल एस्टेट भी मिल जाएगा थ्रू रीट्स। यहाँ पर आप 31 मार्च 2020 के डिटेल्स चेक कर सकते हैं, तो उस समय स्टॉक मार्केट में गिरावट आया था। तो वो यहाँ पे देखिए ऐसा नहीं है कि इन फंड्स में परफॉर्मेंस कोई बहुत ज़्यादा अच्छा था, कम गिरे थे, ये फंड्स भी बहुत गिरे थे, HDFC, ICICI, क्वांट या फिर UTI, यहाँ भी अच्छा खासा गिरावट आया था उस समय। और या कुछ फंड्स हैं SBI काफ़ी कम गिरा था जो कि काफ़ी अच्छा है, और एक्सिस का भी अगर फंड देखें तो रिलेटिवली कम गिरा था। लेकिन हाँ ओवरऑल ऐसा नहीं है कि स्टॉक मार्केट में जब बहुत बड़ा गिरावट आएगा तो ये फंड्स कम गिरेंगे, यहाँ भी गिरेंगे। हो सकता है कि इक्विटी के जो फंड्स हैं उनसे थोड़ा कम गिरे, लेकिन अच्छा खासा गिरावट यहाँ भी देखने को मिला था। यहाँ पर डिटेल्स चेक कर सकते हैं एज ऑन 31 दिसंबर 2019। यहाँ भी अगर आप परफॉर्मेंस देखें जिन फंड्स का बेंचमार्क अवेलेबल है तो परफॉर्मेंस कोई खास अच्छा नहीं, अपने बेंचमार्क को भी ज़्यादातर फंड्स ज़्यादातर होराइजन्स में बीट नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे हमने मल्टी एसेट एलोकेशन के 9 फंड्स को लिया है, 9 फंड्स ने एटलीस्ट 1 ईयर कम्प्लीट किया हुआ है, इनका UM है, रिटर्न्स है 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर, और साथ ही बेंचमार्क का कहीं कहीं आपको रिटर्न्स मिलेगा, मोस्टली बेंचमार्क का रिटर्न नहीं मिलेगा क्योंकि हमें नहीं मिला था इसीलिए हम मेंशन नहीं कर पाए थे। तो देखिए परफॉर्मेंस वाइज अगर आप देखें तो रिलेटिवली देखिए यहाँ पे एक्सिस का जो रीसेंट परफॉर्मेंस है अच्छा नहीं रहा है, मोतीलाल ओसवाल का यहाँ पे परफॉर्मेंस देखें तो अच्छा नहीं रहा है, साथ ही अगर आप बेंचमार्क UTI का अवेलेबल है यहाँ पे देखिए अंडर परफॉर्मेंस है बेंचमार्क के मुकाबले, और साथ ही मोतीलाल ओसवाल का UM देखें तो बहुत छोटा है, और निपॉन इंडिया मल्टी का अगर आप देखें तो नया फंड है अभी 3 ईयर्स भी कंप्लीट नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पे हम यहाँ से मोतीलाल ओसवाल, निपॉन इंडिया और UTI मल्टी एसेट फंड को अपने फाइनल लिस्ट से फिलहाल रिमूव कर रहे हैं। यहाँ पे है टॉप 6 फंड्स हमारे मल्टी एसेट कैटेगरी के। तो यहाँ पे अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो देखिए यहाँ पे एक्सेस आपको पता है सभी जगह अंडर परफॉर्मेंस चल रहा है, तो यहाँ भी इनका बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस है। बाकी जो दूसरे फंड्स हैं उनका परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, बुरा परफॉर्मेंस नहीं है, और इसमें भी अगर आप कुछ टॉप फंड्स अगर आप सेलेक्ट करना चाहें पास्ट परफॉर्मेंस वाइज तो देखिए टॉप 3 जो भी फंड्स रहे हैं डिफरेंट होराइजन्स में उन्हें मैंने हाईलाइट किया हुआ है, यहाँ पे देखिए ये 3 फंड्स हैं, यहाँ पे ये 3 फंड्स हैं, यहाँ पे ये 2 और ये, यहाँ पे ये 3 फंड्स का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। सो ओवरऑल अगर पास्ट परफॉर्मेंस वाइज देखें तो 2 फंड्स हैं जो कि स्टैंड आउट करते हैं, एक है ICICI प्रूफ मल्टी एसेट फंड और सेकेंड है क्वांट मल्टी एसेट फंड, इन दोनों का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है।
इस वीडियो में आगे हम इन दोनों फंड्स के बारे में डिटेल में जानेंगे, ताकि अगर किसी को इस तरह के फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना है तो उसे पता चल सके कि कौन सा फंड उसके पोर्टफोलियो के लिए सुटेबल हो सकता है। यहाँ पर आप इन फंड्स का एसेट एलोकेशन चेक कर सकते हैं। देखिए अप्रॉक्स है तो पॉइंट के भी डिटेल्स होंगे, तो मैंने सभी को स्क्वायर ऑफ किया हुआ है, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है। बट हाँ, देखिए मोस्टली देखिए इक्विटी का एलोकेशन कितना बड़ा है, डेट का भी एलोकेशन ठीक ठाक है, कमोडिटीज का भी एलोकेशन है, रियल एस्टेट में देखिए एक्सपोजर बहुत कम रहता है यहाँ पे। यहाँ पर आप इनका AUM, एक्सपेंस रेशियो, पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग, एवरेज क्रेडिट रेटिंग, ड्यूरेशन और यील्ड टू मैच्योरिटी चेक कर सकते हैं। तो ICICI का तो बहुत बड़ा AUM, जबकि क्वांट का AUM अभी भी काफ़ी छोटा है। एक्सपेंस रेशियो ICICI का ज़्यादा है, पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग क्वांट का ज़्यादा है, एवरेज क्रेडिट क्वालिटी दोनों का सॉवरिन है। देखिए सॉवरिन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि 100% जीसेक ही है, ज़्यादातर जीसेक है यहाँ पे, तो ज़्यादातर जीसेक है, और यहाँ पे थोड़ा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में भी एक्सपोजर लिया गया है। ड्यूरेशन देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है, यहाँ ऑलमोस्ट 5 ईयर्स का, जबकि यहाँ सिर्फ 0.53 ईयर्स का ड्यूरेशन है, तो बहुत डिफरेंस है ड्यूरेशन में, मैकॉले ड्यूरेशन में। यहाँ पे यील्ड देखिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्वांट का यील्ड 7% के आसपास है YTM, और मल्टी ICICI का 6.5% के आसपास है। यहाँ पे आप इनका पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं क्वांट मल्टी एसेट फंड का। तो देखिए कुछ टॉप होल्डिंग्स हैं इक्विटी में, रिलायंस, HDFC, ऑर्चिड फार्मा, NTPC, और डेट देखें तो देखिए ये डेट का एक्सपोजर है, देखिए ऊपर सारे आपको जीसेक ही मिल रहे हैं, इनफैक्ट सारे टॉप में जो है जीसेक ही है, टी बिल्स है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज है। कमोडिटीज और रियल एस्टेट देखिए, यहाँ पे गोल्ड ETFs में इन्वेस्टमेंट किया गया है 18.02% का, और रीट्स में एक्सपोजर है 1.1, अगेन गोल्ड ETF, सिल्वर ETF में 0.63 का एक्सपोजर लिया गया है, अगेन गोल्ड ETF में इन्वेस्टमेंट किया गया है। यहाँ पर ICICI प्रू का पोर्टफोलियो डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो इक्विटी में NTPC, ICICI, HDFC, मारुति में बड़ा एक्सपोजर लिया गया है। डेट में देखिए ऊपर तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज ही है, लेकिन यहाँ पे देखिए कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी आपको मिलेंगे, लाइक PFC है, SBI है, अगेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज है। तो यहाँ पे मिक्सअप किया गया है सॉवरिन और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के बीच में। कमोडिटीज और रियल एस्टेट अगर आप देखें तो गोल्ड ETF में एक्सपोजर है, रीट्स में एक्सपोजर लिया गया है, इन्विट में भी एक्सपोजर यहाँ पे लिया गया है, और अगेन रीट में एक्सपोजर है। क्वांट मल्टी एसेट के इक्विटी पोर्टफोलियो में फाइनेंस, एनर्जी, ऑटोमोबाइल और हेल्थ केयर का एक्सपोजर लिया गया है ज़्यादा, जबकि ICICI में फाइनेंशियल, एनर्जी, ऑटोमोबाइल और हेल्थ केयर में एक्सपोजर रिलेटिवली ज़्यादा रखा गया है। अभी मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स का जो हमने डिटेल्स चेक किया है उससे देखिए ये पता चलता है कि थ्योरेटिकली तो ये बहुत अच्छा लगता है ना, कि एक फंड आपको एसेट एलोकेशन का फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। जनरली हमें खुद से एसेट एलोकेशन करना पड़ता है, इक्विटी में अलग इन्वेस्टमेंट करना होता है, डेट में अलग इन्वेस्टमेंट करना होता है, और कुछ अगर कोई चाहे तो गोल्ड में अलग से इन्वेस्टमेंट कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एक फ़ंड ऐसा है जो कि आपको एसेट एलोकेशन करने में आपकी मदद कर रहा है। लेकिन यहाँ इशू ये है कि अगर परफॉर्मेंस देखें आप पास्ट का, तो परफॉर्मेंस कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। रीसेंट टाइम्स में आपको कुछ फंड्स ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन ओवरऑल बेंचमार्क के मुकाबले अगर आप देखें तो कोई बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस इन फंड का अभी तक नहीं रहा है। और साथ ही हमने ये भी देखा है कि जब मार्केट गिरेगा तो ये फंड्स भी, इनफैक्ट ज़्यादातर फंड्स, नॉट ऑल बट ज़्यादातर फंड्स भी गिरेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे गिरावट काफ़ी कम आएगा, इक्विटी फंड से थोड़ा बहुत कम आएगा, लेकिन यहाँ भी गिरावट आएगा, ऑलरेडी हमने देखा हुआ है। इन फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करते वक्त आप ये बिल्कुल ध्यान में रखें कि इन फंड्स में भी इक्विटी का एलोकेशन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये फंड्स ऐसा नहीं है कि रिस्की नहीं है, ये फंड्स भी बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं, और यहाँ भी अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन आपको एटलीस्ट 5 ईयर्स का जरूर रखना चाहिए। तो इस तरह के फंड्स किस तरह के इन्वेस्टर के लिए सुटेबल हो सकते हैं? तो देखिए एक हो गया एग्रेसिव और वेरी एग्रेसिव इन्वेस्टर, जो कि बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकता है, और साथ ही उसका इन्वेस्टमेंट होराइजन भी वेरी लॉन्ग टर्म का है, लाइक 5 ईयर, 10 ईयर, 15, 20 ईयर्स। तो अगर कोई उस तरह का इन्वेस्टर है तो उसके लिए प्योर इक्विटी फंड ज़्यादा अच्छा होगा, और डेट के लिए वो अलग से डेट में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, गोल्ड के लिए अलग से गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। जिसको मार्केट का आइडिया है, थोड़ा बहुत आइडिया है, उसके लिए वो ज़्यादा अच्छा होगा। हाँ, उस तरह के इन्वेस्टर जिन्हें मार्केट का ज़्यादा आइडिया नहीं है, लाइक म्यूचुअल फंड्स का ज़्यादा आइडिया नहीं है, इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स या फिर गोल्ड फंड्स, इनका ज़्यादा आइडिया नहीं है और एसेट एलोकेशन करना है, तो उस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए इस तरह के फंड कुछ हद तक सुटेबल हो सकते हैं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है, किसी तरह का एडवाइस या रिकमेंडेशन नहीं दिया गया है। अगर आपको इन फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना है या रिडेम्पशन करना है या फिर जो कुछ भी करना है, आप खुद का रिसर्च जरूर करें या फिर अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।